لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इंडिया में मुसलमानों की काविशें ये तो सभी जानते हैं। आइए बात करते हैं आज एक इंडिया की खातून की, जो उन 15 खवातीन में थीं जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में मदद की। इन खातून का नाम है बेगम एजाज रसूल। ये बहुत अमीर घराने में मलीर कोटला में पैदा हुई। इनकी शादी एक नवाब से हुई जिनका नाम एजाज रसूल था, और ये एक वाहिद मुस्लिम खातून थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर बनी। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की इम्प्लीमेंटेशन हुई और ये दोनों मियाँ बीवी ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गए। 1937 के इलेक्शन हुए और बेगम एजाज रसूल जो है वो यूपी से लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट हो गई। 1950 में मुस्लिम लीग इंडिया वो डिसॉल्व हुई और बेगम एजाज रसूल कांग्रेस में आ गए, और ये 1952 में राज्यसभा में इलेक्ट हुई और ये उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर रही 1969 से लेकर 1990 तक। और इस दौरान 1969 से 1971 तक वो मिनिस्टर रही सोशल वेलफेयर एंड माइनॉरिटीज की, और सन 2000 में उन्हें पद्मा भूषण से अवार्ड किया गया। तो बहरहाल क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन सोशल वर्क में जो थी उसको सामने रखते हुए शी वाज अवार्डेड पद्मा भूषण इन 2000। तो एक बहुत मशहूर नाम बेगम एजाज रसूल और उनकी कंट्रीब्यूशंस। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।